नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष, आज आपको अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज सर हम लोग परमुटेशन का नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सर, परमुटेशन में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तीन अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, जो पांच से पूर्णतः विभाजित। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तीन अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जो पांच से पूर्णतः विभाजित। अब समझने की बात है, तीन अंकों की कितनी संख्याएं हैं और तीन अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तीन अंकों की कितनी संख्याएं हैं और तीन अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन। ध्यान दिए, तीन अंकों की कितनी संख्या बन सकती है जो पांच से पूर्णतः विभाजित है। देखिए, सबसे पहले तीन अंकों की संख्या, पहले अंक कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक तो आपके पास एक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही अंक है, अंक यानी डिजिट, यही इतने डिजिट। अब देखिए, तीन अंक की संख्या बनानी है तो तीन अंक की संख्या का नियम क्या है। तीन अंक की संख्या का सबसे पहला नियम है कि वैसी संख्याएं, तीन अंकों की संख्या देख रहे हैं जिसका इकाई दहाई और सैकड़ा तीन डिजिट है। अब पांच से विभाजित, पांच से कटने का पहला नियम क्या है, पांच से कटने का नियम क्या है कि यूनिट प्लेस पे या तो जीरो हो या पांच। अगर यूनिट प्लेस पे जीरो फिक्स करते हैं तो वन पे, तो जीरो फिक्स कर दिए तो जीरो के अलावा यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अब आपके पास लेटर कितना बचा, 1, 2, 9 जीरो छोड़ दिए, जीरो को बैठा दिए, तो अब लेटर कौन कौन बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ 9 में से कोई भी बैठ सकता है, 1 भी बैठ सकता है, 2 भी बैठ सकता है, 3 भी बैठ सकता है, 4 भी बैठ सकता है, 5 भी बैठ सकता है, 6 भी बैठ सकता है, यानी हमारे पास रास्ता कितना है, 9। जब एक मेंबर बैठ गया तो अब रास्ता कितना बचा, 8, यानी 8 9 12। अब देखिए, पांच से कटने का नियम क्या है कि जिसके यूनिट प्लेस पे पांच, यूनिट प्लेस पे क्या हो, पांच, पांच फिक्स कर दी तो अब लेटर कौन कौन बचा, डिजिट कौन कौन सा, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 पांच तो बैठेगा नहीं क्योंकि पांच ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, बैठा चुके हैं। अब लेटर कितने बचे, 4, 1, 5, 5, 6, 9 यहाँ 9 में से कोई एक बैठ सकता है, या तो 0 बैठेगा, 1 बैठेगा, 2 बैठेगा, 3 बैठेगा, 4 बैठेगा, कोई बैठ सकता है। लेकिन सर एक बात याद रखिएगा, तीन अंकों की संख्या है तो यूनिट का यहाँ पे 0 नहीं बैठेगा, क्योंकि 0 जैसे ही बैठेगा तो संख्या कितने अंक की हो जाएगी, दो अंक की, तो दो अंक की हो जाएगी, इसलिए 0 तो बैठेगा नहीं, तो बचा कौन, 4 और 4 8 यहाँ रास्ता मेरे पास कितना है, 8। अब जब एक मेंबर बैठा दिए तो अब कितना मेंबर बचा, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से एक मेंबर बैठा दिया तो अब बचा कितना, 7, और बीच में 0 को बैठने में कोई आपत्ति नहीं, तो 7 और 1 8 तो 8 64 तो 64 प्लस 72 यानी टोटल अगर देखा जाए तो 136 136 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाएगी, 136 ऐसी संख्याएं जो 5 से कट जाएगी। ये क्वेश्चन क्या है कि कितनी संख्या बन सकती है जो 5 से पूर्णतः विभाजित, यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वैसा डिजिट जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जब तक कहा ना जाए तब तक रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 5 से कटने वाली डिजिट कौन है, 0 to 9 पहला स्थान पे 0 फिक्स हो गया, तो बचा कितना, अब 1 से लेकर 9 तक यहाँ 9 में से कोई एक बैठ सकता है, जब एक मेंबर बैठ गया तो अब बचा कितना, 8, यहाँ 8 में से कोई बैठ सकता है, तो 9 8 72। अब यहाँ देखो, 5 तो ऑलरेडी बैठ गया तो 5 तो बैठेगा नहीं, तो बैठेगा अब कौन कौन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 9 रास्ता है लेकिन 0 नहीं बैठेगा, 0 अगर आगे बढ़ जाए तो संख्या 2 अंक की हो जाएगी, तो 0 बैठेगा नहीं, तो कौन कौन बैठेगा, 4 ये और 4 ये, यानी कितना रास्ता है मेरे पास, 8, या तो ये बैठेगा, ये बैठेगा, ये बैठेगा, ये बैठेगा, ये बैठेगा, टोटल रास्ता कितना है, 8। जब एक मेंबर बैठ गया तो बचा कितना, 7, लेकिन बीच में 0 को बैठने में कोई आपत्ति नहीं, तो 7 और 1 8 तो 8 64 तो 64 ये और 72 ये टोटल 136 ऐसी संख्या है जो 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी और 3 अंक की संख्या होगी। समझ में आया, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सर, एक नया क्वेश्चन है आपके सामने, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जिसके सभी अंक विषम हो,
चार अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिसके सभी अंक विषम हों। यही एक क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अंक को विषम अंक कौन है, कौन कौन, 1, 3, 5, 7 और 9, यही हमारे पास विषम अंक। हमारे पास विषम अंक अंक यानी कि ऑड डिजिट, ऑड डिजिट कौन कौन है, 1, 3, 5, 7, 9। चार अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जिसके सभी अंक विषम, 1, 2, 3, 4। चार अंक की संख्या बनानी है, चार अंकों की संख्या बनानी है जिसके सभी अंक क्या विषम। तो देखिए सबसे पहले 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, हमारे पास यहाँ डिजिट कितने हैं, 5। तो पहला स्थान पे तो पांचों में से कोई, जब एक मेंबर बैठ गया तो फिर चारों में से कोई, फिर एक बैठ गया तो फिर तीनों में से कोई, और फिर दोनों में से कोई। बस समय हमारे पास चार अंक का बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ से भी देख सकते हैं, 1, 3, 5, यहाँ एक भी बैठ सकता है, 3 भी बैठ सकता है, 5 भी बैठ सकता है, 7 भी बैठ सकता है, 9 भी बैठ सकता है। यानी पहला स्थान पे पांचों में से कोई, पांच रास्ता है, पांचों में से कोई एक बैठ सकता है। दूसरे वार्ड में हमारे पास चारों में से कोई एक, फिर एक बैठ गया तो फिर तीनों में से कोई एक, फिर एक बैठ गया फिर दोनों में से कोई। टोटल देखेंगे, कैलकुलेट करते हैं, 5 चौके 20, 20 दिया 60 दूना 120, यानी 120 ऐसी संख्याएं हैं इसके सभी अंक क्या विषम। ठीक है, चार अंकों की संख्या बनानी है, पहला स्थान पर पांचों में से कोई एक, फिर चारों में से कोई एक, फिर तीनों में से कोई एक, फिर दोनों में से कोई एक। टोटल 120 ऐसी संख्या है जो 5 से पूर्णता क्या है, जो जिसके सभी अंक क्या है विषम है। समझ में आया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चार अंकों की कितनी विषम संख्या बन सकती है, विषम संख्या बन सकती है, बहुत छोटा सा प्रश्न है आपके सामने। चार अंकों की कितनी विषम संख्या बन सकती है, क्वेश्चन थोड़ा सा मूव करके चेंज हो गया। चार अंकों की कितनी विषम संख्या बन सकती है, और इसके पहले बताए थे चार अंकों की कितनी संख्या है जिसके सभी अंक विषम, और ये चार अंकों की कितनी विषम संख्या, विषम अंक कौन कौन है, 1, 3, 5, 7, 9। अच्छा सबसे पहले ये देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही डिजिट है आपके पास। हमको कितने अंक की संख्या बनानी है, चार अंक की, 1, 2, 3, 4, चार अंक की बनानी है। तो चार अंक की बनाने के लिए पहला स्थान पे यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। यानी 1, 3, 5, 7, 9, यानी मेरे पास रास्ता कितना है, 5। रास्ता कितना है, पहले यहाँ पर बैठाने के लिए भी कोई भी विषम अंक बैठेगा यूनिट प्लेस पे तो वो विषम संख्या हो जाएगी। तो विषम संख्या कौन कौन है, 1, 3, 5, 7, 9 विषम अंक। तो यहाँ 5 रास्ता है, 1 भी बैठ सकता है, 3 भी बैठ सकता है, 5 भी बैठ सकता है, 7 भी बैठ सकता है, 9 भी बैठ सकता है। हमारे पास रास्ता कितना है, 5। 5 मेंबर में से एक मेंबर बैठ गया, यहाँ पर एक मेंबर बैठ गया, तो यहाँ पर बचा कितना मेंबर, 4। अभी तक एक ही मेंबर बैठा है, अब बताओ कि यहाँ पर कितने मेंबर बचे, टोटल 10 मेंबर है, 10 में से एक बैठ गया तो अब बचा कितना, 9। 10 में से एक ही ना बैठा है, बचा कितना, 9। लेकिन 9 नहीं, यहाँ पर कितने आएंगे, 8, क्योंकि पहला स्थान पे 0 नहीं आएगा, पहला स्थान पे 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा, तो 8 मेंबर बचे। अब एक बैठ गया तो अब बचा कितना, 7। एक बार बचा कितना, 7, लेकिन सेकंड पर 0 को बैठने में कोई आपत्ति नहीं, तो फिर कितना, 8, और फिर कितना, 7। अब देखिए ये आंसर आपका आ जाएगा 8, 8, 64 और 7, 5, 35 है ना, या 5, 8, 40 विषम संख्या बनाना है, तो विषम संख्या के लिए पहला स्थान पर 5 में से कोई यहाँ पर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 5 में से कोई एक मेंबर बैठ गया तो बचा कितना, 4। 4 ये बचा, और फिर एक ही ना बैठा है तो अब बचा 10 में से कितना बचा, 9। 9 यहाँ पर कोई बैठ सकता है, लेकिन 9 नहीं बैठेगा, यहाँ पर 8 ही बैठेगा, क्योंकि पहला स्थान पर 0 नहीं बैठ सकता। अब कितना हो गया, 1 कम हुआ तो फिर 7, यहाँ 7 नहीं, फिर 8 बैठेगा, क्योंकि 0 बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, फिर कितना, 7। टोटल हो गया 2240, गुणा कर लीजिए आंसर आ गया। और मैं चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 2, 4, 6, 8 से कितनी संख्याएं बन सकती है, तो 2, 4, 6, 8 चार डिजिट है सर, तो संख्याएं कौन कौन सी कितने अंक की बनेंगी। तो नॉर्मल सा बात है कि मैक्सिमम हम लोग कितने अंक की संख्या बना सकते हैं, 4 अंक का। हो सकता है कि हम लोग 3 अंक का संख्या बना ले, हो सकता है कि हम लोग 2 अंक का संख्या बना ले,
या एक अंक का संख्या, क्योंकि एक अंक जो होता है वो भी तो एक संख्या का डिनोट करता है। तो चार, दो चार छह आठ, चार डिजिट है सर, चार डिजिट है तो संख्या का कितने अंक बनेगा, चार अंक का, तीन अंक का, दो अंक का, एक अंक का, क्या पांच डिजिट का बन सकता है संख्या? नहीं, पांच डिजिट का संख्या इसलिए नहीं बनेगा सर क्योंकि रिपीटेशन पीरियड आउट हो जाएगा। अगर पांच डिजिट का बनेगा तो डिजिट क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। डिजिट क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो चार छह आठ, पहले चारों में से कोई एक, जब एक बैठ गया तो फिर तीनों में से कोई एक, फिर एक बैठ गया तो फिर दोनों में से कोई, फिर एक, फिर एक में से कोई एक, तो टोटल कितना हो गया, चाहती है बारह दो ना चौबीस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, चारों में से कोई एक, फिर तीनों में से कोई एक, फिर दो में से कोई एक, मैंने चाहती है बारह दो ना चौबीस। यहाँ क्या होगा, चार रास्ता है मेरे पास, उसके बाद कितना रास्ता है, तीन रास्ता, ठीक है, यानी बारह, और यहाँ पर कितना रास्ता है मेरे पास, चार। तो टोटल देखिएगा, चौबीस प्लस चौबीस प्लस बारह प्लस चार, ये जोड़ देंगे, चौबीस चौबीस अड़तालीस और बारह अड़तालीस बारह साठ हजार चौसठ संख्याएं बनेंगी। यहाँ पर केवल ये था कि कितनी संख्याएं बन सकती है, क्लियर नहीं किया था कि चार अंक का, तीन अंक का, दो अंक का, पांच अंक का, नहीं, लेकिन चार अंक की संख्या है, दो चार छह आठ, चार डिजिट है मेरे पास, तो ये हम कन्फर्म हो गए कि चार ही अंक की संख्या बनेगी। तीन अंक का भी बन सकता है, दो अंक का भी बन सकता है, एक अंक का भी बन सकता है, लेकिन पांच अंक की संख्या नहीं बनेगी। पांच अंक की संख्या बनाने के लिए डिजिट को रिपीट करना होगा, तो बस दो चार छह आठ से कितनी संख्या बन सकती है, टोटल 64। बात समझ में आया? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जीरो एक दो तीन से 200 से 1200 के बीच कितनी संख्या बनेगी, कितनी संख्या बनेगी? यहाँ पर ये साफ साफ क्लियर है कि जीरो एक दो तीन चार, चार डिजिट है, और 200 से ऊपर और 1200 से नीचे कितनी संख्याएं बनेगी। तो 200 से ऊपर और 1200 से नीचे, यानी क्लियर है सर कि कितने अंक की संख्या बनेगी, या तो तीन अंक की संख्या बनेगी, या तो चार अंक की संख्या बनेगी, पांच अंक का संख्या हम लोग बना नहीं पाएंगे क्योंकि 200 से ऊपर और 1200 से नीचे। चलिए यहाँ पर क्या सर, जीरो बैठ सकता है? जीरो कभी नहीं बैठेगा, जो जीरो बैठ जाएगा तो संख्या दो अंक की हो जाएगी, 200 से कम हो जाएगा, हमको 200 से ऊपर चाहिए तो जीरो बैठेगा नहीं। एक बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। एक बैठेगा तो 100 से ऊपर जाएगा, हमको 200 से ऊपर चाहिए। जीरो बैठ नहीं सकता क्योंकि जीरो बैठेगा तो 100 से कम हो जाएगा। एक बैठेगा नहीं क्योंकि 100 से ऊपर होगा, हमको 200 से ऊपर चाहिए। यहाँ पर या तो बैठेगा दो, या तो बैठेगा तीन, यानी मेरे पास रास्ता कितना है, दो, या तो दो बैठेगा या तो तीन, यानी दो रास्ता। अब एक मेंबर बैठ गया तो अब बचा कितना मेंबर, तीन, यहाँ तीनों में से कोई, फिर एक बैठ गया तो बचा कितना, दो, तो यहाँ टोटल कितने नंबर बनेगा, बारह। बारह ऐसी संख्या बनेगी जो 200 से ऊपर होगी, यानी तीन अंक की होगी। जीरो बैठेगा नहीं क्योंकि जीरो बैठेगा तो संख्या 200 से 100 से कम हो जाएगी। एक बैठेगा तो 200 से कम हो जाएगी, हमको 200 से ऊपर चाहिए, यानी कि दो बैठेगा तो तीन बैठेगा, यानी हमारे पास रास्ता कितना है, दो। एक मेंबर बैठ गया तो बचा कितना मेंबर, एक ही मेंबर ना बैठा है, चार में से एक मेंबर बैठ गया तो बचा कितना मेंबर, तीन, यहाँ तीनों में से कोई एक बैठेगा, एक बैठ गया तो अब बचा कितना, दो, यहाँ दोनों में से कोई, टोटल बारह। अब बताइए कि 1200 से नीचे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक, दो बैठ सकता है, 2000 से ऊपर हो जाएगा, तीन बैठ सकता है, 3000 से ऊपर हो जाएगा, जीरो तो बैठेगा नहीं, तो सिर्फ बैठेगा कौन यहाँ पर, वन, एक रास्ता है। अब यहाँ पर दो बैठेगा तो 1200 से ऊपर हो जाएगा, तीन बैठेगा तो 1300 से ऊपर हो जाएगा, तो ना दो बैठ सकता है ना तीन बैठ सकता है, और एक तो ऑलरेडी बैठ चुका, तो बैठेगा कौन, अब जीरो। अब जीरो में बैठ गया तो अब बचा कौन, दो और तीन, यहाँ दो बैठ सकता है या तो तीन बैठ सकता है, तो दो और तीन में कोई एक ही मेंबर बैठेगा, तो यानी रास्ता मेरे पास दो है, और फिर कितना, तो टोटल जो नंबर हो गए वो दो, तो 12 और दो 14, 14 ऐसे नंबर हैं जो 0, 1, 2, 3 से बनेंगे और 200 से ऊपर और 1200 से नीचे। समझ में आया सर? चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।